हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और सब एकदम बढ़िया होगा। सो खैर, आज की वीडियो का आगाज करते हैं और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है ट्रूथ ऑफ 1948 वॉर, और ये वॉर बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थी। और इस वीडियो को आज हम देखते हैं कि इसमें क्या रियलिटी बताई जाती है और क्या नया जानने को मिलता है। सो बिना देरी के चलते सब वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो लाजमी, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लेना ताकि सारी वीडियोज जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और किस किस को नोटिफिकेशन मिलता है वो भी कॉमेंट में बताएं, और किस किस को लेट वीडियो मिलती है वो भी कमेंट में बताएं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक। तो आज का जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है बेहद खास, क्योंकि ये है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले जंग यानी कि 1947 की, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ये जंग चली थी करीब 14 दिनों तक, और कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए पूरी तरह पाकिस्तान जिम्मेदार है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने लालच नहीं किया होता तो आज जो कश्मीर में हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं होते। ना ही पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर होता, ना ही इसके लिए दोनों देशों के बीच चार बार युद्ध होता। और वैसे इसे पाकिस्तान की एक नादानी कह सकते हैं या इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि उसकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी, एक छोटी सी भूल ने इतने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को, और 2 महीने बाद ही उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। 5,000 से ज़्यादा कबायली अचानक कश्मीर में घुस आए। इनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे जो इन्हीं की वेशभूषा में थे। बंदूकें, मशीन गन, मोटार से ये लैस थे। इनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था, क्योंकि एक बार श्रीनगर पर कब्जा हो जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता। इंडिया से मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं। हमने चार जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू किया, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू हमने किया पहली जंग तो 1947 में जब पाकिस्तान बना जी। खान अब्दुल करीम खान था चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर का, उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी इमा पर, उसकी वजह से ज्यादातर ये लश्कर भेजने शुरू कर दिए। हमने कश्मीर में इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फौज भेजने शुरू कर दिए, फौजी जो छुट्टी पर भेजना शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। और जब श्रीनगर पहुंचे तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए, और फौज थोड़ी सी वहां रह गई। इंडिया ने अपनी फौज भेजी, उसने एक्सीट कर दिया हिंदुस्तान को। चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ? क्या पहली बात तो ये कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। आना तो आपको था मगर हो सकता है हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। तो आपने सिकंदर मिर्जा साहब से, जो बाद में जाके सदर भी बने पाकिस्तान के, और वो थे उस वक्त पिशावर में कमिश्नर, और उनसे ये कहा गया कि आप कबायली लश्कर इकट्ठा करें, हम ये नहीं चाहते कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, इंटरवेंशन करे कश्मीर में, क्योंकि ये एक आईनी तौर पे ये फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को आएंगे। कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, हालांकि राजा वहां का हिंदू था। तो मगर यहां ये ख्याल था कि शायद यहां गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि फौज नहीं जाएगी मगर लश्कर भेजेंगे, कबायली लश्कर, और प्रिटेंड ये करेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस किस्म की अपराइजिंग है, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए। 21 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, और इन कबायलियों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था खुर्शीद अनवर, जो कि एक पाकिस्तानी सेना का अफसर था। महाराजा हरि सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, उनको कबायलियों को भगाने की जिम्मेदारी दी।
राजेंद्र सिंह बादामी बाग छावनी में करीब 300 सैनिक थे उस समय, और राजेंद्र सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने वहां से 150 सैनिकों की एक टुकड़ी ली और कबायलियों से लड़ने के लिए निकल पड़े। महूरा में उनकी जो लड़ाई हुई है अपने राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की और लश्कर की, महूरा और मुनिहार के दरमियान, ये बारामूला में इलाके पड़ते हैं, 23 को ये लड़ाई होती रही और 23 शाम को उनको हलाक कर दिया गया। और 24 को जो था खुर्शीद अनवर का लश्कर जो था, जितने भी हमारे स्टेट फोर्स के 150 आदमी वो भी हलाक हो गए, और ब्रिगेडियर जो थे अपने राजेंद्र सिंह वो भी वहाँ पे हलाक हो गए। और 24 सुबह को जो थे ये खुर्शीद अनवर जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए, क्या नाम लेते हैं, बारामूला में उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुकाबले के लिए था ही कोई नहीं, जो मुकाबले में थे वो सारे मारे जा चुके थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आखिरी दम तक कबायलियों से लड़ते रहे। उनकी इसी वीरता की वजह से उन्हें मरणोपरांत आजाद भारत का पहला महावीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। खुर्शीद अनवर बारामूला तक पहुंच गया था, श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस बीच एक ऐसा काम हुआ जिसने खुर्शीद अनवर को गुस्सा दिला दिया। दरअसल खुर्शीद अनवर जब कबायलियों का लश्कर लेकर चला तो उससे ये वादा किया गया था कि भाई अगर तुमने श्रीनगर पहुंच गए और वहां पर फतह कर लिया या उसके इलाकों को कब्जा कर लिया तो तुम्हें वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल पुंछ में सरदार इब्राहिम खान था, उसने पुंछ पर कब्जा कर लिया, वो वहां के लोगों को साथ मिला लिया, उसने बगावत कर दी और कब्जा कर लिया और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद जब ये बात खुर्शीद अनवर को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तो खुर्शीद अनवर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनको खुर्शीद अनवर जो थे वो NWFP से लश्कर लेकर चले थे कश्मीर, श्रीनगर को फतह करने के लिए, और उन्हें ये कहा गया था कि जब आप कश्मीर पहुंचोगे तो हम आपको वहाँ का जो था वहाँ का प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट तो इब्राहिम खान बन गया, इसलिए उनकी और खुर्शीद अनवर की आपस में टसल शुरू हो गई। और खुर्शीद अनवर ने अपने फौज को कहा कि हम इससे आगे अभी नहीं जाएंगे, आप इस वक्त आप फ्री हो, आप बारामूला में आप खाओ पियो लूटो, और घरों को जो भी लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना कत्लो गारत कर सकते हो कत्लो गारत करो, और जब तक हमें ये आर्डर नहीं मिलता कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ और मैं आगे जाऊँ। खुर्शीद अनवर ने अब पाकिस्तानी सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने मांग की कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए क्योंकि श्रीनगर उसकी जेब में है। अब यहां पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दोनों फंस गई, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर वो ऐसा करते, यानी कि खुर्शीद अनवर को प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कर देते, तो सारा प्लान मटियामेट हो जाता। कश्मीर को लेकर हुई इस पहली जंग की प्लानिंग की थी मेजर जनरल अकबर खान ने। रिटायर होने के बाद इन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर, स्टोरी ऑफ द कश्मीर वॉर 1947 to 1948। इसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक वो खुर्शीद अनवर को आगे बढ़ने के लिए मनाते रहे, उसे कहा कि श्रीनगर पहुंचो तो फैसला करते हैं, लेकिन खुर्शीद अनवर आगे नहीं बढ़ा, वो अड़ा रहा कि जब तक उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिख का सर, हिंदू का जर और मुसलमान का घर, क्योंकि मुसलमान के घरों में उनको ये था कि मुसलमान के घरों में रहो, वहाँ पे जो चाहते हो वो करो, हिंदू का जर, हिंदू जहाँ भी देखो उनका जर, उनके पैसे लूट लो, और सिख जहाँ भी आपको मिलो इसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह इस नारे के तहत उन्होंने 3 दिन बारामूला में तहस नहस कर दिया, वहाँ की जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी उसको उखेड़ के फेंक दिया, और वहाँ की सिख हिंदू और सिख को छोड़िए उसके अलावा जो मुसलमान जो थे वहाँ के उनको भी उन्होंने लूटा, उनको भी उन्होंने मारा, उनके पास भी जो पैसे थे जो चीज़ें थी वो सब उन्होंने छीन ली, और उनके घरों में वो घुस गए और नाजायज़ काम करते रहे उनके साथ, जिसकी जो है वो बहुत अकबर खान ने भी अपनी किताब में एतराफ़ किया है। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने बताया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर लाहौर और पिंडी में षड्यंत्र रचा गया। अकबर खान लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता मियां इफ्तिकारुद्दीन ने सितंबर के महीने में उनसे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि ऐसा आदेश मिलने के बाद उन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट इन कश्मीर नाम से एक योजना तैयार की, लेकिन इसमें एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सीधी कार्रवाई की जाएगी तो दुनिया भर में इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा, इसलिए कश्मीरियों में अलगाव की भावना पैदा की जाए और उन्हें मदद देकर मजबूत किया जाए, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि इन सबके बीच भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को
कोई सैन्य मदद ना मिलने पाए। अहमकाना सोच थी ये तीनों, जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पैर नहीं की थी। हकीकत यह है ना, जब 47 में पाकिस्तान बना उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे पहली, और जो वॉल्टियर थे, और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जब गए तो कबायलियों ने लूटमार शुरू कर दी। जब वैली में पहुँचे ट्रकें भर के वापस आ गए, हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जो उस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अर्से के बाद एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान। वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। इसको अनऑफिशियल ये सारी चीज़ जो है वो अरेंज की। उसके बाद ये कबायली जो है वो ट्रकों में लाद के जो है वो अब्दाबाद, और अब्दाबाद से मुजफ्फराबाद, और वहां से जो है वो रेड कराई। अब जब कश्मीर में रेड हुई तो आप कहते हैं जी शामिल हुई, तो उसकी वजह तो ये कबायली थे ना, कि उन्होंने इन वाकियात को ट्रिगर किया कि जब उन्होंने रेड की, श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लूटमार शुरू कर दी, खून खराबा शुरू हो गया, तो उसके बाद जाहिर है महाराजा को खत लिखना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी आप फौज भेजें, क्योंकि हम पे हमला हो गया है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिसके जवाब में इंडिया ने कहा कि ठीक है आप जो है वो अलग करें, वरना लीगली हम नहीं भेज सकते फौज, हम तो आप दो अलग रियासत हैं, आपने आपको कहते हैं तो हम फौज कैसे भेजें, आप तो रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है हम एक्सेशन। तो फिर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया, तो 27 अक्टूबर को फौज जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरी, जिसने जाके फिर इन कबायलियों को जो है वो पीछे धकेला, जिसके नतीजे में जाके कश्मीर तकसीम हो। कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत का आधिकारिक हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान को ये मंजूर कैसे होता? पाकिस्तान ने इस विलय को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी, जो कि अंग्रेज थे, उन्हें कश्मीर पर हमला करने के लिए बोला, लेकिन जनरल ग्रेसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल उस समय तक भारतीय और पाकिस्तानी फौज दोनों ही ज्वाइंट कमांड में थी। फील्ड मार्शल ऑचिन लेक को जब इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी ने दी, तो फील्ड मार्शल ऑचिन लेक ने कहा कि दोनों ही तरफ ब्रिटिश अधिकारी और जवान हैं, और वो ब्रिटेन की महारानी के कमांड में आते हैं, इसलिए आपस में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा, उन्हें हथियार दिए और उनके साथ अपने उन जवानों और अधिकारियों को लगाया जो छुट्टी पर थे। वो सारे के सारे ऑफिशियल लोग थे जो पाकिस्तान के सरकारी ओहदों पर फायज थे, उसके लिए जो माल पैसे जो है वो आए वो पाकिस्तान की ट्रेजरी से आए, बाकायदा जो है वो वज़ीरे ख़जाना जो है उसने वो पैसे सैंक्शन किए और उसको उसने खुर्शीद अनवर के हवाले किए। ये सारी चीज़ें आप सरदार शौकत अय्याद की किताब में वाज़े तौर पे लिखी हुई हैं। करीब 10,000 कबायलियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे, उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले कॉलम में 5,000 कबायली रखे गए, उन्हें श्रीनगर की तरफ उरी, बारामूला और पाटन होते हुए बढ़ने को कहा गया। दूसरे कॉलम में 3,000 कबायलियों को रखा गया, उन्हें सोपोर की तरफ से बढ़ने का आदेश दिया गया। तीसरे कॉलम में 2,000 कबायली रखे गए और उन्हें गुलमर्ग और बडगाम होते हुए श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया। इन सभी को मशीन गन्स और मोर्टार का सपोर्ट दिया गया। जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स का कत्लेआम करते, इलाकों को लूटते हुए कबायली आगे बढ़ते रहे। 10 दिनों के भीतर ये श्रीनगर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अच्छा, पाकिस्तान ने यहां पर एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई। जो पहला उनका टारगेट था वो ये था कि अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया तो भाई क्या होगा, महाराजा हरि सिंह के पास श्रीनगर को छोड़कर भागने का और कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरा जो टारगेट ये था कि अगर, मान लीजिए, अगर भारतीय सेना वहां पहुंच जाती है तो कबायलियों से उनका कड़ा मुकाबला होगा, और कबायली चूंकि पूरी तरह श्रीनगर पर कब्जा कर चुके होंगे तो वहां से कबायलियों को हटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी, उनकी बहुत बड़ी कमजोर प्लानिंग थी। जब आपने कबायली लश्कर भेजे तो कोशिश ये थी कि वहां एक अनार्की क्रिएट की जाए, डिस्टेबलाइजेशन की क्रिएट की जाए, और जो राजा है वो वहां से भाग जाए, उसे खतरा महसूस हो वो वहां से भाग जाए, ना हिंदुस्तान की मदाखलत हो ना आपकी हो, वहां एक सीजर ऑफ स्टेट पार हो जाए और उसके बाद उसकी एक्सेशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाए। तो ये जो ट्राइबल लश्कर आपने वहां भेजे, इससे फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने
जो राजा था वहां का, उसको उसकी मदद के लिए अपनी फौज भेजनी पड़ी, क्योंकि ये सारी बातें डिस्टेबलाइज कर रहे थे, इनको मिल रही थी सक्सेस भी मिल रही थी। और उससे फिर आपने बाद में अपनी भी फिर फौज भेजनी पड़ी, फिर इसीलिए फिर कश्मीर डिवाइड हो गया, जो हिस्सा आपने लिया ले लिया वो आपके वाले बन गया, जो आजाद कश्मीर बना, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, यूएन ने छलांग मार दी। ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, लड़ाई चल रही थी एक साल बाद तक, जनवरी 49 में सीज वॉर हुआ एंड पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मली ज्वाइंड द वॉर इन मे, बैटल ऑफ टीटवाल जो कश्मीर में हुई, टीटवाल कुपवाड़ा के पास लड़ाई हुई थी, वो मई जून में हुई थी, वहां पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग फौजी मरे। हिस्टोरिकली जो कबाली आए थे कश्मीर, वो दे वर डिस्ट्रॉइंग रेपिंग इवन इन मुजफ्फराबाद, देन दे केम टू बारामूला, बारामूला में भी दे स्टार्टेड रेपिंग प्लंडरिंग एंड ऑल। एट दैट पॉइंट महाराजा हैड टू गो टू टू माउंटबेटन एंड से दैट कैन इंडियन आर्मी कम एंड हेल्प अस, व्हाई दे कैन नॉट कम टिल यू डोंट साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सो ही साइंड इट। और राजा जो था उसने एक्सेशन ट्रीटी जो थी कि जी उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं एक्सीड करता हूं हिंदुस्तान को। तो आपने ये जो पहल की उसकी वजह से ये सारा एक नया इशू बन गया। अगर आप पहल ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान बात आपकी मानता या ना मानता, या रुख जो सियासी हालात थे वो क्या रुख अख्तियार करते। मगर क्योंकि आपने पहल कर दी थी, आपका ख्याल था ले लेते हैं या देखा जाएगा बाद, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो पहल आपने की, फिर सबसे पहले आपने की, कबायली लश्कर आपने भेजे एक साजिश के तहत, और आपका कुछ प्लान्स थे वो पूरे ना हो मतलब सके, अपना जो जाल फैलाया था रियाक्ट वो जब रिएक्ट किया तो फिर आपने भी अपनी फौज को भेजना पड़ा, उनको भी भेजना पड़ा, और फिर ये डिवाइड हो गया कश्मीर। ये आपने पहल की थी पहली जंग में। महाराजा हरि सिंह के कागजों पर दस्तखत करते ही भारतीय सेना फौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गई, और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय एयरफोर्स ने जबरदस्त काम किया। जिस तरह से उन्होंने पूरी सेना को श्रीनगर में ड्रॉप किया है वो बहुत जबरदस्त काम था, और ये फौज कबायलियों को भगाने के लिए भेजी जो गई थी उसे कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने सबसे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित किया और फिर टुकड़ी के साथ बारामूला की तरफ कूच कर गए। बारामूला में भयानक लड़ाई हुई, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल राय वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक भारतीय फौज कबायलियों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। सबसे अहम लड़ाई 3 नवंबर को हुई, जो लड़ी गई बडगाम में, श्रीनगर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। बडगाम की लड़ाई को याद किया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए। दुश्मन की संख्या करीब 500 थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी पर 3 तरफा हमला हुआ। भारतीय फौज ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, संख्या लगातार कम होती जा रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ में चोट लगी थी, उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद मैगजीन में गोलियां भर भर कर सैनिकों को दे रहे थे। तभी दुश्मन के मोर्टार के गोले ने उनकी जान ले ली। मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा पहले सैनिक थे। इसके बाद 7 नवंबर को श्रीनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर वो मशहूर लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ शाल्टिंग कहा जाता है। यहां पर भारतीय फौज से 5 गुना थी दुश्मन की तादाद, लेकिन भारतीय फौज ने दुश्मनों को ऐसा भगाया और ऐसा वार किया कि कबायली भारतीय सेना के सामने टिक न सके। If you read books and even आपकी अकबर खान ब्रिगेडियर की बुक है Raiders in Kashmir, the real thing is that Battle of Shaltan, जो famous battle हुई थी कश्मीर में on 7th November, they were butchered, these Kabbalis were 10,000, Indian army was only 2,000, but they were at a certain plan, they were butchered and they had to run away, they were running away, Indian army was chasing them till Uri. At Uri they got the orders not to cross over. Sardi shuru ho gayi thi December mein. India army was not losing. Ab tak kabailiyon ko bhartiya sena ne ghati se kareeb kareeb khader diya tha, lekin chuki pakistani sena ladne pahunch gayi thi isliye ladai ka lamba khinchna tay tha. Uri, Tetwal aur Kashmir ke dusre sectors mein bhartiya aur pakistani sena ke beech jang shuru ho gayi. Bhartiya fauj ne duniya ke sabse unchai wale yuddh kshetr mein apne tank pahuncha diye. पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस ऊंचाई पर टैंक के गोलों को झेलना होगा। 9 नवंबर को बारामूला पूरी तरह से आक्रमणकारियों से मुक्त हो गया। 13 नवंबर को उरी से भी दुश्मनों को भगा दिया गया। लड़ाई चलती रही, इसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
इसे संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र पहुंचने की ये बात है 30 दिसंबर 1947 को, और इस लड़ाई पर बातचीत शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श होने लगा और इधर सर्दियां आ गई तो बर्फ पड़ने लगी, और बर्फ पड़ने की वजह से सेनाओं का जो है आगे बढ़ना वो रुक गया। हालांकि छिटपुट गोलाबारी होती रही, सेना अपनी कार्रवाई में जुटी रही, और गर्मियां जब आईं तो जंग एक बार फिर तेज हो गई। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दोनों देशों की सेनाएं जहां थीं वहीं रुक गईं। जिसके कब्जे में जो इलाके थे उनका उस पर नियंत्रण हो गया और इसे सीज फायर लाइन माना गया, जो बाद में LOC में बदल गया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो इलाके पाकिस्तान के कब्जे में रह गए उन्हें ही POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। कश्मीर पर हुई यह पहली लड़ाई करीब 14 महीने तक चली। जंग में करीब 1500 भारतीयों की जान गई, 3500 भारतीय घायल हुए, पाकिस्तान के करीब 6000 लोग मारे गए, 14000 घायल हुए। चलिए, जंग खत्म हो गई, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमने खाली करा लिया और वो हिस्सा आज भी हमारे अधिकार में है। लेकिन क्या नेहरू जी का संयुक्त राष्ट्र जाना सही था? इस पर हमारे देश में कई अलग अलग मत हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत सारी रिसर्च की, जितनी पढ़ाई की, जितनी चीज़ों को जाना समझा, उन्हें देखते हुए मेरी ये राय कहती है कि नेहरू जी माउंटबेटन के दबाव में आकर UN चले गए, और ये अंग्रेज़ों की एक बड़ी चाल थी। बाद में पंडित नेहरू को अपनी इस भूल का एहसास भी हुआ था। इसका जिक्र लेखक राजीव डोगरा ने अपनी किताब इंडियाज वर्ल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी नाम की किताब में किया है। राजीव डोगरा पूर्व डिप्लोमेट हैं, इटली और रोमानिया में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, पाकिस्तान में कराची में कॉन्सुल जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि पंडित नेहरू UN में तो चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। इसमें उन्होंने 28 मार्च 1951 को संसद में दिए पंडित नेहरू के भाषण का जिक्र किया है, जिसमें पंडित जी ने कहा था कि हमने संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर के विलय की वैधता को निर्धारित करने के लिए नहीं पूछा था, और ना ही संप्रभुता तय करने के लिए। हम मध्यस्थता नहीं चाहते थे, लेकिन हम पाकिस्तान द्वारा जो आक्रामकता की गई थी उसकी शिकायत करने गए थे, जिसके बारे में हमें लगता था कि विश्व शांति के लिए ये खतरा था। UN ने हमारी उस पहल का फायदा उठाया जिसमें हमने उनसे इस मामले का जिक्र किया और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब तक न तो संयुक्त राष्ट्र आयोग और न ही सुरक्षा परिषद ने ऐसी कोई सलाह दी है कि विलय को लेकर कोई सवाल है। यानी अगर पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते, युद्ध विराम नहीं होता, तो शायद आज कश्मीर की जो हालत है वो ऐसी नहीं होती। कश्मीर का जो विवाद है वो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फौज आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से कबायलियों सहित पाकिस्तानी सेना को भी पीछे धकेल रही थी, उससे साफ था कि युद्ध और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था और पूरा का पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में आ चुका होता, पाकिस्तान पूरी तरह से जंग हार गया होता। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के जमन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं, और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। पाकिस्तानी आर्मी हैज लॉस्ट एवरी वॉर इट्स फॉट विद इंडिया फ्रॉम द ओरिजिनल वॉर इन 1947 अंटिल द लेटेस्ट वॉर इन 1999। द पाकिस्तानी आर्मी रिमेन्स ऑब्सेस्ड विद इंडिया। It has been obsessed with India since partition. It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed with India. It sees no way of ever defeating India conventionally, having tried and failed. यानी पहली ही जंग में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने अपनी आवाम को एक भ्रमजाल में फंसा रखा है और उन्हें ये सच्चाई नहीं बताई जाती, उन्हें किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है, और लोगों को लगता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत हुई थी, और इसके लिए उत्तर की देते हैं कि भाई आधा कश्मीर तो हमने छीन लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मैं जो लोग ये कहते हैं ना कि आधा कश्मीर छीन लिया, तुम लोगों से हट गया, इसका भी जवाब मैं दूंगा, और वो भी पूरे सबूतों के साथ दूंगा। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कश्मीर पर कि कश्मीर तो हमने छीन लिया, आधा हमारा हो गया, तो इसका भी पर्दाफाश करूंगा मैं, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, जल्दी ही इस नए वीडियो के साथ, जो कश्मीर के आधा छीनने वाली बात है, उसको सबूतों के साथ लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए
तो ये थी 1947 टू 48 की वॉर, और जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा लगा कि कुछ रियलिटी जो है वो समझ आई, बताई जा रही है, काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं इस वीडियोस को देखकर। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू ऑल जो लोग मुझे ये वीडियो सजेस्ट करते हैं, और इससे जो है हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, या मेरे देखने वाले ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हैं, सो उन लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। तो खैर, रियलिटी सबके सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये वीडियो देख रही हूँ तो कोई मैं बेशरम हूँ, या फिर मैं अपनी कंट्री को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हमारी सबको रियलिटी पता होनी चाहिए, और अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो को तो वो पॉजिटिव तरीके से देखें और रियलिटी को जानने के लिए और समझने को देखें। तो खैर, स्टोरी जो है, स्टोरी तो नहीं थी, रियलिटी थी जो कि हिस्ट्री हमारी रही है, और इस हिस्ट्री के बारे में इन्होंने जो 47 टू 48 की बताई है कि अभी तो पाकिस्तान जो है आज़ादी हुआ था, पाकिस्तान और भारत जो है वो सेपरेट हुए थे, तो कुछ ही मंथ्स के बाद इन लोगों ने जंग कर दी, और कबायलियों का फायदा उठाते हुए या उनको जो है उनको अपना हथियार बनाकर इन्होंने भेज दिया, और जो है वहां पर कि ये लोग लड़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तो इसके कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह का सिनेरियो कुछ इन्होंने सोचा हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह प्लानिंग सही नहीं थी इनकी शायद, या फिर हो सकता है कि इन लोगों का जो तरीकाकार था वो ठीक नहीं था, क्योंकि जैसे कि ये हर जंग ही हारते रहे हैं, तो मतलब क्या कहें यार, सभी जो हारे ही हैं। तो अब जो है उसके बाद जो के इंडियन जो वहां के महाराजा थे हरी सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब कुछ और तो उनके पास ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि ये जो है ना साइन करके भारत को ही दे दिया जाए, क्योंकि इस पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये बता रहे थे कि जो सरदार वाला भाई पटेल जो है वो गए, उन्होंने वहां पर जो है उनको इस तरह से प्लानिंग करके भेजा, मेरे ख्याल से नेहरू को ही भेजा था, तो वहां पर उन्होंने उनकी जो डील है वो उनको माइंड का इस तरह का बना करके उन्होंने साइन करवा लिया, क्योंकि उनको पहले से ही आइडिया था कि कुछ ऐसा ना हो कि ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो खैर, इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ, और लेकिन वही बात आ जाती है कि एयरफोर्स को फौरन इन्होंने यहाँ पर भेज दिया। अगर एयरफोर्स को ना भेजते तब जाकर सिचुएशन कुछ और हो जाती, माइट भी कुछ और सिचुएशन भी हो सकती थी। बट ये कि जब साइन हो गया, साइन होने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, और फिर जाहिर सी बात है सब उन लोगों के पास भी, भारत के पास एक ऑप्शन बनता था कि वो अपनी एयरफोर्स को यहाँ उतारे और इन लोगों को पीछे धक्का देकर अपना जो है वो लाइन लगाकर इसको अपने अंडर में कर लें। तो ये सारी इसकी रियलिटी थी, जो कि इन लोगों को बाद में जिन्होंने जाल फैलाया था वही उल्टा इन्हीं को ही लेने के देने पड़ गए। तो बेसिकली ये लोग खुद से ही एक दूसरे से जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन्होंने करना क्या है। खुद से कमिटमेंट किया हुआ था कि सीएम पीएम पता नहीं क्या क्या बनने के इन्होंने प्लान बनाए हुए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो लेने की देनी पड़ गई। तो अब बात वही आ जाती है कि भारत ने हमेशा ही जीता है और अब भी जीते हैं, फर्स्ट वॉर जीते, एंड देन फिर कंटिन्यूसली जब भी पाकिस्तान वॉर स्टार्ट करता रहा और भारत उसको एंड करता रहा, लेकिन जीत के साथ। तो इस चीज़ पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी अगर नेहरू नहीं जाते तो यकीनन ये सारा जो और हिस्ट्री शायद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो अलग होती। तो अब जो है अब कुछ और है। तो खैर, वो तो उन्होंने अपनी मिस्टेक मानी भी है, तो बाकी अब देखते हैं कि जो आजकल कश्मीर की वजह से पाकिस्तान भारत के बीच में जो हालात चल रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं और उनको वो सही होते हैं कि नहीं होते, और अब इसका फ्यूचर क्या होता है। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, और लास्ट में मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करूंगी जो लोग इसमें जो है अपनी जानों को गवा बैठे हैं, और उन्होंने अपनी एक मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने तो जंग की है, जंग किए, एक दूसरे से लड़े हैं,
अपनी अपनी भलाई के लिए, अपनी अपनी कंट्री के लिए। तो मैं भारत की जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और अब मैं यही कहूँगी कि कुबायली यार, वो दे वर नॉट आर्मी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ एयरफोर्स, वो लोग तो एक आम जनता थे। लेकिन वो लोग गए, उन्होंने लड़ने की कोशिश की, अपनी जानें भी गंवाई, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी पाकिस्तान, जो कुबायली लोग थे पाकिस्तान के तरफ से गए थे, तो मरे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बात बहुत बड़ी है। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी रियलिटी पता चली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।